नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता आज चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले जून महीने के मासिक राशि फल की। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमारी मासिक राशि फल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र और उपनक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्र को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। दूसरी बात, हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा चाहे मासिक राशि फल की हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, लग्न राशि के ऊपर आधारित रहती है, ना कि चंद्र राशि के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जून महीने में ग्रहों का गोचर क्या कहता है। चार्ट आपके सामने है दोस्तों। जून महीने में आपके लग्नेश और एट्थ भाव के स्वामी मंगल और सेकेंड धन और परिवार भाव और सेवंथ शादी व्यापार और पद प्राप्ति आदि भाव के स्वामी शुक्र जो हैं जून महीने में आपके फोर्थ सुख भाव में यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। फोर्थ भाव में मंगल कर्क राशि में जहां नीच होंगे, वहीं शुक्र फोर्थ भाव में दिग्बली होते हुए केंद्र भाव में मंगल के साथ रहते हुए मंगल का नीच भंग करते हुए राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में थर्ड हिम्मत साहस पराक्रम छोटी यात्राओं आदि का भाव और सिक्स्थ भाव रोग कर्ज शत्रु नौकरी कोर्ट कचहरी में जीत का वाद विवाद का भाव और इस भाव दोनों के स्वामी बनते हैं बुध और जो कि 7 जून तक आपके लग्न भाव में राहु और गुरु के साथ गोचर करेंगे मेष राशि में। 7 जून से 27 जून तक आपके सेकंड धन और परिवार भाव में गोचर करेंगे और 27 जून से महीने के आखिर तक आपके थर्ड भाव में यानी कि अपनी खुद की मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इस दौरान 20 जून से महीने के आखिर तक बुध जो है अस्त भी रहेंगे। इसके बाद आपके फिफ्थ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि महीने की शुरुआत से 15 जून तक आपकी वृषभ राशि यानी कि सेकंड भाव में और 15 जून से महीने के आखिर तक आपके थर्ड भाव में बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 9th भाग्य धर्म पिता लॉन्ग जर्नी हायर एजुकेशन आदि का भाव और 12th भाव खर्च हानि विदेश मोक्ष आदि का भाव। इन दोनों भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जून महीने में आपके लग्न भाव में राहु और बुध के साथ गोचर करते हुए शनि द्वारा दृष्ट रहेंगे और 21 जून को देवगुरु बृहस्पति केतु के नक्षत्र से निकलकर शुक्र के भरणी नक्षत्र की यात्रा पर चल पड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद 10th भाव कर्म का भाव है, 11th हमारी लाभ का और इच्छा पूर्ति का भाव है। इन दोनों भावों के स्वामी शनि बनते हैं जो कि 11th भाव में अपने ही कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु गुरु बुध को दृष्ट करेंगे। वहीं 17 जून से महीने के आखिर तक शनि जो है वक्री भी रहेंगे। बात करें राहु की तो जून महीने में राहु आपके लग्न भाव में मंगल की मेष राशि में बुध और गुरु के साथ गोचर करते हुए शनि द्वारा दृष्ट रहेंगे। रही बात केतु की तो केतु जून महीने में आपके 7th भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करेंगे और 26 जून को केतु जो हैं राहु के स्वाति नक्षत्र को छोड़कर मंगल के चित्रा नक्षत्र की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। यानी कि जून महीने में जहां बुध दो बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे वहीं 20 जून से बुध जो है अस्त भी हो जाएंगे। 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे। 21 जून को गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए शुक्र के भरणी नक्षत्र पर चल पड़ेंगे और 26 जून को केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए मंगल के नक्षत्र की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जून का महीना मेष राशि के जो जातक हैं लोग हैं उनकी हेल्थ फैमिली लाइफ लव लाइफ मैरिड लाइफ कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। और इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि जून के महीने में मेष राशि वाले जो जातक हैं उनकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ के दृष्टिकोण से जून महीने में मेष राशि के जातकों को अपनी हेल्थ को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि जून महीने में आपके लग्न भाव में राहु गुरु गोचर करते हुए शनि द्वारा दृष्ट रहेंगे और 7th भाव में केतु के गोचर करने से आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरी ओर जून महीने में आपका लग्नेश मंगल का अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करते हुए शनि के साथ षडाष्टक योग बनने से आपको वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी होगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। बात करें पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जून का महीना मेष राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है, क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में स्थित होंगे, केतु आपके 7th भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये दोनों ग्रह मिलकर परिवार में तनाव और मतभेद पैदा कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जून महीने में आपके फोर्थ भाव में मंगल शुक्र का गोचर रहने से संपत्ति विवाद या कन्फ्यूजन के चलते परिवार से खुशियों के दूर होने की आशंका रहेगी। इस दौरान छोटे भाई से किसी बात को लेकर मतभेद जो है उभर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण घर परिवार में खुशहाल माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम जो है उठाने चाहिए आपको। परिवार में उपजे किसी भी जो विवाद है या मतभेद है, बातचीत के जरिए सुलझाने की आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि परिवार में खुशी का वातावरण जो है बना रहे। हालांकि फिफ्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से और 21 जून से बृहस्पति द्वारा शुक्र के भरणी नक्षत्र पर गोचर करने से परिवार में चल रही समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है। बात करें आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से जून का महीना मेष राशि के लोगों के लिए मिला जुला रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना आपको मुश्किल लग सकता है। किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, साथ ही आपको अपने साथी द्वारा अटेंशन ना मिलने की आशंका है। ऐसे में आपको संयम रखने की जरूरत है। अगर आप विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। विवाह से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय को अभी आपको टाल देना ही बेहतर रहेगा। इस समय शांत होकर जीवन के निर्णय लेंगे तो सुकून में रहेंगे। बात करें दोस्तों शादीशुदा जीवन की, तो जून महीने में केतु आपके सेवंथ भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल द्वारा दृष्ट रहने से शादीशुदा जीवन में तनाव के कारण पार्टनर के साथ आपसी तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि फिफ्थ और सेवंथ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और 21 जून से देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्र के भरणी नक्षत्र पर जाना शादीशुदा जीवन के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। दोस्तों बात करते हैं आपके कैरियर की। जून महीने में आपके 10th कर्म और 11th लाभ और इच्छा पूर्ति आदि भाव के स्वामी शनि जो है आपके चार्ट में 11th भाव में अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु के नक्षत्र बुध के उपनक्षत्र पर गोचर करते हुए 17 जून को वक्री हो जाएंगे, यानी कि 17 जून तक शनि कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को काफी मजबूती प्रदान करेंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत भी करेंगे, इससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और आपका दायित्व भी बढ़ेगा। आपको ज़्यादा काम मिल सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह आपकी कार्य कुशलता को देखकर ही आपको दिया जाएगा। यानी कि 10th भाव के स्वामी और कर्म के कारक शनि अब जो है जून के महीने में अचानक से कैरियर में उछाल का संकेत दे रहे हैं। वहीं चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यापारी, आप अपने टारगेट को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। मंगल 10th कर्म भाव को एस्पेक्ट देंगे, जहां मंगल की उच्च राशि मकर पड़ती है, इसलिए आपको नौकरी में फायदा होने की संभावना है। अगर आप अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। आपको नौकरी के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि आपको नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। जो लोग विदेश कंपनियों में जॉब सर्च कर रहे हैं, उन्हें अच्छे पैकेज के साथ विदेशी कंपनियों में जॉब का ऑफर मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको इस महीने आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। जो लोग अपना कारोबार शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके लिए शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर बहुत फायदा पहुंचाएगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर भी आप इस नक्षत्र में काम स्टार्ट कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए यह समय काफ़ी लाभकारी रहेगा। मान सम्मान के अलावा आर्थिक लाभ भी होगा। व्यापारी पेशा लोगों को अचानक से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस दौरान आप व्यापार में कोई बड़ी डील कर सकते हैं, और यदि सरकारी कामकाज से संबंधित आपका काम है तो इस दौरान आप सरकारी टेंडर या कोई सरकारी ठेका या सरकारी एजेंसी प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपने प्रयास किए। व्यापारी पेशा लोगों को व्यापार के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और ये यात्राएं आपके व्यापार में वृद्धि कारक साबित भी होंगी, और आप अपने व्यापार के लिए अच्छी स्थिति और माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे, जिसकी बदौलत आपका जो व्यापार है उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को विदेशी कंपनियों से कुछ अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और नए कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे। ग्रहों की यह स्थिति आपके व्यापार को एक नई दिशा की ओर ले जाने में मददगार साबित होगी दोस्तों। लेकिन 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि कर्म लाभ और इच्छा पूर्ति के स्वामी शनि के वक्री होने से अब बनने वाले कामों में समय लग सकता है। जिन लोगों की प्रमोशन होने वाली थी, यदि 17 जून से पहले ना हुई तो अब वो प्रमोशन जो है शनि के मार्गी होने के बाद ही होगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यदि कोई व्यापारिक डील हो रही थी आपकी, कोई एजेंसी या कुछ भी ऐसा हो रहा था कामकाज, वो भी शनि की वक्री होने की वजह से या तो रद्द हो सकता है या फिर जब शनि मार्गी होगा तब वो काम आपके बन सकते हैं, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे आपके वो डिले हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है 11th लाभ और इच्छा पूर्ति
भाव के स्वामी हैं, इसलिए अब व्यापार या नौकरी में जो टारगेट सोच रखा था उसे हासिल करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, या जूं कहें कम में ही संतोष करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर शनि के वक्री होने से जिन कामों को आप पूरा करने में लगे हुए थे उन कामों के पूरा होने में समय लग सकता है, या यूं कहें उन कामों के लिए फिर से आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से जून महीने में आपके सेकंड धन भाव का स्वामी जो शुक्र है वो लग्नेश मंगल के साथ फोर्थ भाव में गोचर करने से इस दौरान आपका ज़्यादातर पैसा जो है परिवार और खुद पर खर्च होने की आशंका रहेगी। इस महीने आप कोई महंगे वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं या कुछ जमीन जायदाद भी ले सकते हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी शनि के वक्री होने से मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी होने की आशंका भी रहेगी। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आपको एक बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी ताकि आप फजूल खर्ची करने से बच सकें और जरूरत के समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेष राशि के जातकों के बारे में आने वाले जून के मासिक राशिफल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।